हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस फिल्मी मेट की एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ साउथ की टोटल 7 ऐसी नई हिंदी डब मूवीज जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और खुशी की बात यह है कि इन मूवीज को आप हिंदी डब में YouTube पर ही देख पाएंगे। और इन सभी मूवीज में आपको एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल सब देखने को मिलेगा, जिसे IMDb पर 5 से लेकर 8.4 आउट ऑफ 10 तक का शानदार रेटिंग मिला है। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको हाल ही में रिलीज हुई फहद फासिल की बायोपिक क्राइम ड्रामा मूवी मालिक, रवि तेजा की मच अवेटेड मूवी डिस्को राजा और जॉम्बी रेड्डी जैसे और भी आपके डिमांड की मूवीज हिंदी डब में प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसीलिए आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो बिना स्किप किए बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप साउथ की नई नई मूवीज देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस काउंटडाउन लिस्ट को शुरू करते हैं। लेकिन काउंटडाउन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फिल्मी मेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नंबर 7 पर आती है 2019 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मूवी गुरखा, जिसको इसी नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है, वहीं 86% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको एलिशा रिहाट, योगी बाबू, राज भरत के साथ और भी स्टार्स देखने को मिलेंगे। बात करें इस मूवी के कहानी की तो एक्स ऑफिसर्स का एक ग्रुप एक शॉपिंग मॉल में निर्दोष लोगों को बंधक बना लेता है, जिसके बाद मॉल का एक सिक्योरिटी गार्ड जो गोरखा वंश से बिलोंग करता है वो उन सभी बंदियों को बचाने जाता है। तो क्या वह निर्दोष लोगों को उन लोगों से बचा पाता है या नहीं, ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी के साथ साथ अच्छा खासा सस्पेंस भी देखने को मिलेगा, जिसे आप हिंदी डब में गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। नंबर 6 पर आती है 2019 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक्शन पॉलिटिकल ड्रामा मूवी NGK, जिसको इसी नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है, वहीं 80% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको सूर्या, रकुल प्रीत सिंह, साई पल्लवी के साथ और भी स्टार्स देखने को मिलेंगे। बात करें इस मूवी के कहानी की तो नंदा गोपालन कुमारन नाम का एक शिक्षित व्यक्ति है जो हमेशा समाज सेवा के कामों में लगा रहता है, जिसके बाद गांव के लोगों की मदद से वह पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, जहां उन्हें पावर में रहने और समाज सेवा करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उन्हें पॉलिटिक्स में जाने के बाद किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और आगे मूवी में क्या क्या होता है, ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी YouTube पर हिंदी फैन डब अनऑफिशियली अवेलेबल है, तो जल्द इस मूवी को देख लीजिए। और अगर आप इसे ओरिजिनल लैंग्वेज में सबटाइटल्स के साथ देखना चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नंबर 5 पर आती है 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी डिस्को राजा, जिसको इसी नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला, वहीं 94% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको रवि तेजा, नभा नतेश, पायल राजपूत के साथ और भी स्टार्स देखने को मिलेंगे। बात करें इस मूवी के की तो लद्दाख के पहाड़ों में मिले एक मृत व्यक्ति को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बदौलत वापस लाया जाता है और उसे अपने अतीत की याद न होने के कारण वह अपनी मृत्यु की जांच करता है और अपनी असली पहचान खोजने की कोशिश करता है। तो आगे मूवी में क्या क्या होता है, ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी में आपको एक्शन रोमांस के साथ साइंस फिक्शन सीन भी देखने को मिलेगा, जिसे आप YouTube पर मिक्स्ड हिंदी डब में अनऑफिशियली देख पाएंगे। नंबर 4 पर आती है इसी साल 2021 में रिलीज हुई जॉम्बी बेस्ड तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन कॉमेडी हॉरर मूवी जॉम्बी रेड्डी, जिसको इस नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला, वहीं 95% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको अनादी, दक्षा नगरकर, तेजा सजा के साथ और भी स्टार्स देखने को मिलेंगे। बात करें इस मूवी के कहानी की तो मारियो नाम का एक गेम डेवलपर और उसके फ्रेंड्स एक दोस्त की शादी अटेंड करने जाते हैं और दो फैमिलीज के झगड़े में फंस जाते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम तब होता है जब रॉयल सीमा में एक मिस्टीरियस जॉम्बी अटैक होता है, जहां उसके फ्रेंड्स बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो मारियो उन लोगों को कैसे बचाता है, ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। फाइनली इस मूवी का TV प्रीमियर खत्म हो चुका है, जिसका अपडेट मैंने पहले ही टेलीग्राम चैनल पर दे दिया था। और अब ये मूवी आपको हिंदी डब में RKD मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 पर आती है 2019 में रिलीज हुई एंथोलॉजी बेस्ड तमिल लैंग्वेज की डार्क कॉमेडी क्राइम मूवी सुपर डिलक्स, जिसको इसी नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला, 90% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको विजय सेतुपति, समांथा अकिनेनी, फहद फासिल के साथ और भी स्टार्स देखने को मिलेंगे। बात करें इस मूवी के कहानी की तो इस मूवी में आपको टोटल 4 अलग अलग स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसमें एक कपल एक डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, एक लड़का जो अपने अजनबी पिता को देख कर सरप्राइज हो जाता है, एक बेटा जो अपनी माँ को किसी और के साथ मूवी में देख लेता है, और एक धार्मिक इंसान जो अपने भगवान पर ही डाउट करने लगता है। तो इन चारों की लाइफ आपस में कैसे कनेक्टेड है,
है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। ये मूवी आपको YouTube पर हिंदी फैन डब में अनऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। और अनऑफिशियली अवेलेबल मूवीज कभी भी रिमूव हो जाती है तो आप इन मूवीज को मेरे टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं। नंबर 2 पर आती है इसी साल 2021 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर मूवी मल्लिक, जिसको इसी नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 8.4/10 का रेटिंग मिला है। और इस मूवी के लीड रोल में आपको फहद फासिल, निमिषा सज्जन, मीनाक्षी के साथ और भी स्टार्स देखने को मिलेंगे। बात करें इस मूवी की कहानी की तो ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, जिसमें फ्रेडी नाम का एक लड़का बचपन में ही मौत के मुंह से बच निकलता है और उसके गांव के नजदीक समुद्र होने की वजह से स्मगलिंग का धंधा शुरू कर देता है, जिसके बाद वह पॉलिटिक्स में अपना कदम रखता है जहां वह इक्का के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके उसे पॉलिटिकल अपोजिशन और पुलिस करप्शन का सामना करना पड़ता है। इस मूवी में आपको शानदार स्क्रीन प्ले और फहद फासिल की जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिलेगी। ओवरऑल यह एक मास्टरपीस मूवी है जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। फिलहाल तो ये मूवी YouTube पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसे हिंदी फैन डब में मेरे टेलीग्राम चैनल से देख पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नंबर 1 पर आती है इसी साल 2021 में तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होने वाली एक्शन थ्रिलर मूवी एनमी, जिसके लीड रोल में आपको विशाल, आर्या, ममता मोहनदास जैसे और भी स्टार्स देखने को मिलेंगे। इस मूवी की रिलीज डेट तो अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन इसका हिंदी टीजर बी फॉर यू मोशन पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। तो अगर आपने अभी तक ये टीजर नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, अगर आप Amazon प्राइम पर रिलीज हुई बॉलीवुड की बायोपिक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी साइना नहीं देखा है तो ये मूवी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ये थी साउथ की 7 नई हिंदी डब्ड मूवीज। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने फिल्मी मेट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, यूजर ID @FilmyMate, ताकि आपको नई नई मूवीज और वेब सीरीज की अपडेट्स वहाँ भी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।